हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज कार्तिक सैनी एंड वेलकम यू टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आ गए हैं आपका भाई एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका ओरिएंटेशन है NSUT और DDU में वो कब होगा, और सारी डिटेल में देने वाला हूं कि ओरिएंटेशन में क्या क्या होता है। और फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो की रिमेनिंग फीस है, बैलेंस फीस है जो आपकी 1,24,000, वो आपको कब पे करनी है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स मेक इट 2,000 सब्सक्राइबर्स सून फ्रेंड्स। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ ओरिएंटेशन की, तो जो आपका ओरिएंटेशन है NSUT और DTU में, वो अगर मैं NSUT की बात करूँ तो फिर वो आपका होगा 8 से 11 अगस्त, और जो आपका DTU में है वो होगा अराउंड 3 से 4 अगस्त। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, आप पेरेंट्स के साथ भी जा सकते हो और पेरेंट्स के बिना भी जा सकते हो। कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको पेरेंट्स के साथ ही जाना है, आप पेरेंट्स के बिना भी जा सकते हो ओरिएंटेशन में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ओरिएंटेशन में क्या क्या होता है, तो जो आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं ना, वो बेसिकली एक पूरा ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज कराएंगे सब कुछ अच्छे से, और वो बताएंगे कि आपको 4 साल की जो BTech होगी उसमें क्या क्या करना है, आपकी लाइफ कैसी होने वाली है, क्योंकि स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। तो हर एक पॉइंट वो आपसे शेयर करेंगे, आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे, और आपको मोटिवेट करेंगे कि आपको अपनी पूरी जान से मेहनत करनी है इन 4 साल, और इन्जॉय करना है साथ ही साथ, फेस्ट को इन्जॉय करना है, कॉलेज लाइफ को इन्जॉय करना है, एक्सप्लोर करना है नई चीज़ों को। तो हर एक चीज़ का डिस्कशन होगा ओरिएंटेशन में। आपके प्रोफेसर्स आपको आपका जो ओरिएंटेशन है वो कंडक्ट करवाएंगे, तो प्रोफेसर्स ही सारी चीज़ आपको बताएंगे। तो जो NSUT मेन कैंपस है उसका ओरिएंटेशन मेन कैंपस में ही होगा। ईस्ट कैंपस का, जैसे पिछली बार भी ओरिएंटेशन ईस्ट में हुआ था, तो इस बार भी ईस्ट में ही होगा, और वेस्ट कैंपस का वेस्ट में होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी DTU का उनके कैंपस में होगा ओरिएंटेशन। सर, ओरिएंटेशन में यही सब होता है, कॉलेज की सारी डिटेल आपको बताते हैं क्या क्या होगा, कैसे कैसे अब 4 साल आपको में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या करना चाहिए, और स्कूल से कैसे डिफरेंट माहौल होने वाला है। अब आप मीन्स एकदम बाहर निकल चुके हो स्कूल लाइफ से, अब इंडिपेंडेंट हो और आपको अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेने हैं। तो सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है ओरिएंटेशन में। तो यार, जो NSUT का है वो 8 से 11 अगस्त के बीच में होगा, और 3-4 अगस्त के अराउंड DTU का होगा ओरिएंटेशन। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर मैं बैलेंस फीस की बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो जब आपका एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में और आप कॉलेज आने लग जाओगे, तो आपके पास नोटिस आ जाएगा मीन्स 4-5 दिन पहले कि आपका जो फ़ी पेमेंट का गेटवे है वो खुल चुका है। जैसे NSUT में हमारा SBI फ़ी पेमेंट गेटवे खुल जाता है, 4-5 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि 4-5 दिन के अंदर अंदर आप अपनी फ़ीस पे कर दो 1,24,000 ऑनलाइन। मीन्स फ़ीस जो है वो ऑनलाइन ही पे होती है, और आपको जैक डेली पे अब की वेबसाइट पे आपको पे नहीं करनी है। अब NSUT की जो वेबसाइट है उस पर आपको NSUT की फ़ीस, मीन्स जो बच्चा NSUT का है तो NSUT की वेबसाइट पे वो रिमेनिंग फ़ीस क्या बोलते हैं पे करेगा, और जो DTU का बच्चा है वो DTU की वेबसाइट पे फ़ीस पे करेगा ऑनलाइन। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास भी यार, जब हमारा एडमिशन हुआ था ना, तो हमारे पास पहले से ही हमको इन्फॉर्म क्या बोलते हैं मेल आ गया था कि जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं वो अपनी फ़ीस पे कर दें, जो रिमेनिंग उनकी बैलेंस फ़ी है। तो हमने फिर हमको 3-4 दिन का टाइम मिला था, और फिर उस हिसाब से हमने फिर अपनी फ़ीस पे कर दी थी ऑनलाइन SBI फ़ी जो पेमेंट गेटवे होता है NSUT का उस पर। तो यार, आपको भी ऐसे ही करना है, मीन्स फ़ीस जो पेमेंट होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर NSUT की और DTU की। तो फ्रेंड्स, यही था फ़ी पेमेंट के बारे में, और ओरिएंटेशन का मैंने बता दिया है कि यार क्या क्या होता है ओरिएंटेशन में। और साथ ही साथ जब प्रोफेसर्स आपको सारी चीज़ें बता देंगे ना कि BTech में क्या क्या होता है, तो फिर उसके बाद आपका खाना होगा। मीन्स ईस्ट कैंपस में तो ऐसे ही होता फ्रेंड्स कि बच्चों को फूड दिया गया था, और उनके पेरेंट्स को भी मीन्स प्रॉपर खाने का अरेंजमेंट था अच्छा, और बस फिर यही सब था यार ओरिएंटेशन में। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलना। और इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।